और इस बीच एक बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से आ रही है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों से मुठभेड़ में सीआरपीएफ के दो जवान शहीद हो गए हैं। मुठभेड़ में तीन नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। मुठभेड़ जारी है और सीआरपीएफ के दो जवान इसमें शहीद हुए हैं, जबकि तीन नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं, मेरे सहयोगी जयप्रकाश त्रिपाठी जुड़ गए हैं। जयप्रकाश, क्या अपडेट मिल रहा है, क्या मुठभेड़ अब भी जारी है? जी बिल्कुल, बता दूं कि बीजापुर से सीआरपीएफ की टीम जो है एंटी नक्सल ऑपरेशन के लिए पामेर के इल्लापल्ली इलाके में निकली हुई थी और तभी जो है लगभग सुबह 11 बजे के आसपास सीआरपीएफ के जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में जो है तीन नक्सली मारे जाने की सूचना मिल रही है, वहीं जो है चार जो जवान है वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इसके बाद जैसे ही ये सूचना मिली, बीजापुर से बैकअप पार्टी सीआरपीएफ की रवाना कर दी गई। इसके अलावा जो है जो जिला पुलिस बल के जवान है उनको रवाना कर दिया गया। चारों तरफ से जो है सर्चिंग की जा रही है, जो जंगलों का इलाका है उसे पूरी तरह से घेर लिया गया है। लेकिन नक्सली काफी संख्या में थे, बताया जा रहा है कि 50 से ज्यादा की संख्या में नक्सलियों की मौजूदगी थी, इसलिए जो है सीआरपीएफ की जो एंटी नक्सल ऑपरेशन पार्टी है उसको रवाना किया गया था। तो नक्सलियों को भी एक भारी झटका यहाँ पर लगा है, लेकिन जो सूचना मिल पा रही है कि तीन से चार जवान घायल है और दो जवान जो गंभीर रूप से घायल थे उनके जो है शहीद होने की सूचना मिल रही है। हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि पूरी तरह से नहीं हो पाई है, क्योंकि वो जो पूरा इलाका है वो काफी घना जंगल का इलाका है, वहाँ काफी जो है कम्युनिकेशन की दिक्कतें होती रहती है। लेकिन जो सूचना मिल पा रही है उसमें दो जवान जो है शहीद हो गए हैं और चार जवान जो है फिलहाल गंभीर रूप से घायल होने की सूचना मिली है। लेकिन